जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ हमें खड़ा होना चाहिए कि ये चीज़ हमारी गलत है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, या हम बाहर से ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी टाइप की मान हानि, अब चाहे वो हेल्थ को लेके हो, आपकी सेहत को लेके हो, या आपकी हेल्थ को लेके हो, आपकी जगह पूंजी को लेके हो, हर जगह पे आपको रक्षक की जरूरत है। आपको पता है गाड़ी सामने से आ रही है, तो आपको नहीं चलना, हमें कौन चलना है? एक जान व्यक्ति ने मुझे पहले मार डाली है, पर अगर ये कोई जानने वाला है जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद मैं गलत, पर अभी अपने आपको डिफेंड करना जरूरी है, तो आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे बिना किसी को चोट पहुंचाए? मुझे नहीं पता क्या मेरे मामा से क्या बताइए, मेरे कोई रिश्तेदारों को मुझे नहीं पता कि इनका इंटेंशन क्या है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, पर इतना जरूर है कि कुछ गलत है, तो मुझे मानना भी नहीं है। सो जैसे साहब तक बहुत है, तो मुझे शारीरिक की बजाय हम पास में जाएंगे और बाल बनाएंगे। बैगर्स भी नॉक कर दे, या कोई रास्ता पूछने के लिए भी आपके शीशे में नॉक कर रहा है,
पहली सेफ्टी टिप है कि आप पूरा शीशा नीचे नहीं करेंगे। आपको आवाज पहुंचाने के लिए अगर थोड़ा सा भी शीशा हो, हवा पास हो रही है, तो आप बात कर सकते हो। पहली सेफ्टी कि शीशा पूरा नीचे नहीं होगा। अब वो बात कर रहे हैं कि बाहर से किसी ने नॉक करा रास्ता पूछने के लिए या कुछ भी चीज बहाने से, आप पूरा शीशा नीचे नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे जहां से आपकी आवाज जा सके। आपको बाहर निकल के रास्ता थोड़ा दिखा रहे हैं, पता नहीं तो है, क्या पता आपको नहीं पता, नहीं पता, मुझे नहीं पता रास्ता, तो मैं बस थोड़ा सा शीशा नीचे करूंगा। अगर हमारी गाड़ी किसी ऐसी जगह पर खड़ी हुई है जहाँ पे बिल्कुल डार्क है, बहुत ही अंधेरा है, रात में खड़ी और हम सुबह या रात में कोई इमरजेंसी हुई हमें लेके जाना है, स्पेशली मूवी थिएटर्स के बाहर, अगर हम लेट नाइट कोई शो जा रहे हैं, आपको पता है कि पार्किंग में नीचे खड़ी और सब अंधेरा हो गया पार्किंग में, कितना मुश्किल है, मुश्किल हुआ कंपेरेटिवली, ओके मुश्किल बढ़ गई है। अब हम एक चीज और करेंगे, सपोर्ट ढूंढोगे कहीं पे, कुछ पिलर हो गए, वो
क्लास वाला भी होता है, सब नहीं है सर, पीछे कोई नहीं है मेरे, अगर पीछे कोई नहीं है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा सामने से। प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम लोग बात कर रहे हैं और कोई चुप के चला गया, क्योंकि आपने मौका दिया। अगर आपके पार्टनर ने आपने बैग देखी हुई है तो यहाँ हो जाओ, ऐसा नहीं है। अब मुझे इतना ही कवर करना है, और पहले मुझे इतना सारा कवर करना था तो बहुत सारा मौका था, मैंने मौका हटा दिया वहां से। बस में भी सेम है, मेट्रो भी सेम है, कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह है आपको पता, आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जहाँ से आप पीछे चले गए। अगर हम वॉक कर रहे चाट रहा है, अगर हम लोग वॉक कर रहे हैं अपने लड़के दोस्तों के साथ, वो पीछे ट्रैवल कर सकते हैं, वो पीछे चल सकते हैं, ताकि वो ध्यान रखें कि पीछे से कुछ नहीं, कोई पीछे से डर आप चेक नहीं कर, आप आगे चल रहे हैं, पीछे अपना चल रहे हैं। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, जैसे हमने यहाँ पे आके देखा कि आप ये जो सारी औरतें हैं इन्हें अलग अलग चीजें सिखाते हैं जो इन्हें नॉर्मल लाइफ में नहीं पता होती। आपने जैसे ये सेल्फ डिफेंस हो गया, ये ऐसी चीजें जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी है, आप उन्हें ये सब सिखाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो बहुत अच्छा स्टेप है जो औरतें हैं उनके लिए। तो हमें आशा है कि आगे भी हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे सेशंस वगैरह कराते रहेंगे, बिकॉज आप जैसे विमेन की लाइफ, औरतों की जिंदगी बेहतर बनाने की तरफ के लिए ये सब करते हैं, वैसे ही हम भी ये सब करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, एंड नीचे बेल आइकन आ रहा है उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।